इस व्यक्ति ने अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया है, निछावर कर दिया है। लुका ये व्यक्ति पुराना रामानंद सागर रहा ही नहीं। धीरे धीरे मुझे ही भय हो रहा है, गुरुदास जी ने कहा। धीरे धीरे भक्तों की मंडली में सम्मिलित हो रहे हैं महाराज। कैसे राम कथा का निर्माण किया और कैसे उस अवसर पर, भूलिएगा नहीं कभी, जिस समय भारत खंड खंड होने की आशंका से आतंकित पंजाब में, गोरखालैंड में, उस समय इस अनुष्ठान को प्रज्वलित कर व्यक्ति ने इतना बड़ा क्या काम किया है। इस रामायण की राम कथा ने इस राष्ट्र को बिखरने से बचा लिया, बहुत बड़ा काम। यह राष्ट्र कभी उर्ण नहीं हो सकता इस व्यक्ति से, इसकी पूजा होगी यहाँ। अत्यंत ब्रह्म भाव से कहना चाहता हूं कि तुलसीदास के बाद बिना किसी अतिशयोक्ति के जिस व्यक्ति ने 400 वर्ष बाद फिर राम कथा को घर घर में पहुंचा दिया, द्वार द्वार में पहुंचा दिया और दीपक प्रज्वलित कर दिया अंधकार के बीच में से, इस साधक के लिए इस राष्ट्र को पूर्ण कृतज्ञ होना चाहिए, ऐसा कोई जवाब नहीं। बिना किसी अतिशयोक्ति, ये करिश्मा क्या, को समझ में नहीं आता है। 9:30 बजते देर नहीं, छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर, पढ़े अशिक्षित, हिंदू मुसलमान, पारसी ईसाई, क्या है, काम बंद कर देते हैं, पागल हो जाते हैं, क्या देखने, रामायण देखेंगे। और फल अपने लिए नहीं होता, पेड़ अपना फल नहीं खा सकता, फल को दूसरे खाते हैं, संसार खाता है। आज ये व्यक्ति अपनी तपस्या से, साधना से, आराधना से ऐसा फल हो गया है, ये फल तो सड़ गल जाते हैं, ये फल हजार हजार वर्ष इसकी कीर्ति, इसका यश, इसका कृतित्व, इसका गौरव, इसकी तपस्या, इसका उत्सर्ग इसी प्रकार कायम रहेगा। मैं हम आप सब की ओर से इनको आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं और इनके इस यश के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, भगवान से प्रार्थना है, जीवे में शरद शतम, आप 100 वर्ष जी। और इस अवसर पर हम लोग सब कलाकारों को भी इस प्रकार का एक स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, उनको अर्पण कर रहे हैं, इसलिए हम इनको भी सम्मेलन की तरफ से ग्राम पंचायत का